आज जो हम वीडियो दे रहे हैं ये आपको आपके अंगूठे के बारे में हम विस्तृत जानकारी और दे रहे हैं। अंगूठे ना दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक अंगूठा होता है कठोर, ये कठोर अंगूठे का मतलब होता है ये सीधा होगा, एकदम बिल्कुल जनरली ये सीधे अंगूठे होंगे, इनमें लचक नहीं होगी। कठोर हो का मतलब ये है कि ये सीधा अंगूठा है। ऐसे लोगों के बारे में पहले आपको अंगूठे का विवरण दे देता हूं मैं। ये जैसे हमारा हाथ है, इसमें लचक है, आगे पीछे हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के हाथ में सिर्फ ये अंगूठा इस तरह का होता है, कठोर होता है, एकदम सीधा, पीछे जाएगा ही नहीं, ये मूवमेंट भी नहीं होती है। हजारों हाथ देखे हैं मैंने उस तरह के, उसके बारे में आपको बताता हूं। ऐसे लोगों में प्रबल इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति तगड़ी, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ जाए, उसका डटकर मुकाबला करते हैं, शत्रु के सामने डरते नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर कल्पनाशीलता जो होती है, भावनाएं होती हैं, उसको कंट्रोल में रख के चलते हैं। ये अंगूठा दिखा रहा है उनकी पावर कि अपनी भावनाएं बिल्कुल व्यक्त नहीं करेंगे, आपको मिलनसार लगेगा नहीं, आपको लगेगा ये मित्र बनने लायक भी नहीं है, ऐसे लोग मित्र भी नहीं बनते ज्यादा। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, और किसी को कोई अगर वादा कर दिया, कोई समर्पण भावना आ गई, तो इस वादे को, वचन को देते नहीं है, और अगर देते हैं तो अंत तक निभाते हैं। इनकी एक खासियत ये है, ये वचन अगर किसी को दे दिया कि तेरे लिए हम जान दे देंगे। ऐसे लोग ज्यादातर मिलिट्री वगैरह में भी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ उंगलियां नरम होनी चाहिए, हाथ नरम होना चाहिए, मिलिट्री में बहुत अच्छे लोग जाते हैं ये। लेकिन अगर हाथ भी कठोर है, उंगलियां भी सारी कठोर हैं, तो ऐसे लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, इनसे बच के रहना ही उत्तम रहता है। अब आपको हम लचकदार मतलब जिसकी मोमेंट हो, फ्लेक्सिबल हो, ऐसे लोगों का अंगूठा इस तरह का होता है, बिल्कुल जहां मर्जी घुमा लो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, ये फ्लेक्सिबल अंगूठा होता है। ऐसे लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं, शांत लोग होते हैं, इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होता, उदार दिल के होते हैं, किसी की मदद करनी हो तो मदद करने में हिचकते नहीं है, डरते नहीं है, समाज में इनका बहुत ही आदर होता है। ऐसे लोग विलासी जीवन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, या जीवन के हर तरह के साधनों का सदुपयोग करना, उसको उपयोग करना इनको अच्छा लगता है, और मन की इच्छा हो कोई, उसके सामने अगर कोई मन में आ गया कि मेरे को गाड़ी लेनी है, ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं, गाड़ी लेनी है, गाड़ी कहीं नहीं मिल रही, गाड़ी में 1,00,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, ऐसे लोग अपने मन की पूर्ति के लिए पैसों की परवाह नहीं करते, और मन को उस जो भी मन में आया है उसको ठान कर लेते हैं, वो करते हैं। साहित्य प्रेमी होते हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, इनके अंदर कोई दुराग्रह नहीं होता, किसी के प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं रखते, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मेरे समस्त मित्रों दोस्तों को जो एस्ट्रो वास्तु से जुड़े हैं और जो नए जुड़ने वाले हैं, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, परिवार में सुख शांति रहे, बुजुर्गों का बड़ों का आशीर्वाद रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, इसी भावना के साथ धन्यवाद, नमो नारायण।